उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में बढ़ते क्राइम को देखते हुए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र की वेद व्यास कॉलोनी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश रोहित उर्फ टिंकू पुलिस की गोली का शिकार हो गया, जहां घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाशों के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। फिलहाल पकड़े गए बदमाश रोहित पर लगभग एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब, एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर बरामद की गई है। रात जो है एक रोहित टिक्कू नाम का एक मरीज था, जिसको जो है पुलिस वाले लेके आए थे थाना टीपी नगर से, जो कि शिवपुरम का रहने वाला है। उसके पैर में दाहिने पैर में जो है उसको गोली लगी हुई थी, जिसको इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। कोई इसका पता चला? नहीं, पूरी जानकारी तो पुलिस ही बता पाएगी विवेचना के लिए। हमने तो उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए और इलाज के लिए एडमिट कर लिया है अपने वार्ड में और इलाज चल रहा है उसका। उसमें चेकिंग चल रही थी, टीपी नगर थाना प्रभारी उसमें थे चेकिंग के समय। रात के 12 बजे लगभग वेद व्यास कॉलोनी है, उसके पास में ही दो लोग बाइक से आ रहे थे, जिनको चेकिंग के दौरान रोका गया और रुके नहीं, आगे बढ़े, पीछा किया गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें अगली लाइट जो है उनके जीप की उस पर लगा और वो टूट गया। इसके बाद आत्मरक्षा थे, उन्होंने फायर किया, जो एक बदमाश के पैर में लगा, दूसरा बदमाश भाग गया। उसके पास से 315 बोर के तमंचे और कच्ची शराब यूरिया वगैरह बरामद हुई है और पूछताछ में पाया गया कि उसके विरुद्ध करीब एक दर्जन मुकदमे पहले से हैं और वो ऑलरेडी वांटेड चल रहा था। शेष उसे गैंग के कौन सदस्य हैं, चूंकि कच्ची शराब से भी आप देखे होंगे बड़ी मौतें हो गई हैं और बड़ा ही इस तरह का अपराध बड़ा जघन्य अपराध होता है, इसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे और पूरे इस रैकेट को तोड़ेंगे।